ध्यान दीजिए, आज की जो हमारी क्लास है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एचएसबीटी के सेशनल में आएंगे। ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस वेल्ड इज गिवन बाय, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, हीट को हम एच से डिनोट करते हैं और आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट जो है आपका जो है जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को एम्पियर से, रेजिस्टेंस को ओम से, टी आपका टाइम है सेकेंड से। तो इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं, जूल्स हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू एच आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेल्डिंग जनरली, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है जैसे आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, कई प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स के अंदर कई सारे पार्ट्स आपको वेल्डिंग किए जाते, तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी वेल्डिंग करते हैं? तो आपको जो है उसमें से सबसे ज्यादा जो है स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक पार्ट होता है स्पॉट वेल्डिंग, तो इससे आप डिनोट करते हैं स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग व्हेन करंट पासिस थ्रू द मेटल मैक्सिमम रेजिस्टेंट एट, तो जब आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे आप जो है आप जब आप करंट को पास करते हैं तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ होता है? तो जो दो इलेक्ट्रोड आप रहता है, एक अपर इलेक्ट्रोड रहता है, एक लोअर इलेक्ट्रोड, तो दोनों के कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका करंट फ्लो होता है और सबसे ज्यादा रजिस्टेंस आपका यहाँ पे रहता है। इनमें जाके बीच में आप जो है वेल्डिंग करते हैं तो इजिली आपका वेल्ड हो जाता है। तो आपका सबसे ज्यादा आपका टिप जो है आपका इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट मेटल के ऊपर सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ देखें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ERW पाइप द टेक्निक यूज फॉर ERW की फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है, तो ERW का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो पाइप के लिए कोई प्रकार के यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप ERW का मतलब है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज रिलेटेड टू, जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है किससे रिलेट कर रहा है? तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेट कर रहा है। जिन बच्चों ने क्लास प्रॉपर ली है उनको पता होगा, और क्लास को रेफर करने के लिए पहली बता रहा हूँ, जो स्किल वे चैनल है वहाँ पे जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और आपका जो है प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, आप लोगों के पास टाइम है। नेक्स्ट देखें, सीम वेल्डिंग इज आ, सीम वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग आपकी कौन सी वेल्डिंग है? तो कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग है, क्योंकि आपकी लगातार आपकी वेल्डिंग होती है, वरना स्पॉट वेल्डिंग में अलग अलग डिस्टेंस पे आपका वेल्डिंग होता है। तो सीम वेल्डिंग आपका क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग। नेक्स्ट बात करें, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज अ, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को आपको पता बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। रेजिस्टेंस वहां आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में आप ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच बहुत ज्यादा आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आप इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम प्रेशर वेल्डिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड यूज्ड आर, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड आप जो है नॉर्मली जो है आप बेस मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो आपका इलेक्ट्रोड का बेस मेटल उसके थ्रू जो है आप इलेक्ट्रोड को लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, इन केस ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड अप टू विच डायमीटर मे बी यूज, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का साइज डायमीटर कितना होता है? तो इलेक्ट्रोड का साइज का डायमीटर आपका 12 mm के बीच में रहता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सीम वेल्डिंग आपका क्या होता है, पहले ही बता दिया था आपका सीम वेल्डिंग क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होता है। ये आपका सीम वेल्डिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर इस तरह से जो है आप, ये आपका प्रेशर वेल्डिंग है, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं।
ये आपका सीम वेल्डिंग है जिसमें दो रोलर है, तो इसमें कॉन्टिन्यूस स्पॉट बन रहा है, देख रहे हैं रोलर में यहाँ पे आपका स्विचेस कॉन्टिन्यूस स्टॉक बन रहा है। तो इस तरह से हमने ध्यान दीजिए, ये आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, गैस वेल्डिंग के ऊपर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ देखे हम इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग है, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो है आपका गैस वेल्डिंग का टाइप होता है, तो इसका आंसर आपका गैस वेल्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टैंडर्ड कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फॉर ऑक्सीएसिटिलीन गैस, तो यहाँ पे जब ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर किसका किस कलर का होता है, तो आपका ये ब्लैक कलर का होता है, ऑक्सीजन कलर का कलर सिलेंडर कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का। और सिमिलरली आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बात करेगा तो इसका जो है आपका मैरून हो जाएगा, इसका क्या आएगा आपका मैरून। अगर यहाँ पे आपका मैरून नहीं है ऑप्शन में तो आप रेड पे टिक कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मैरून, और अगर नन ऑफ दिस की जगह पे कोई पिंक दे दिया कलर, मान लिया यहाँ पे पिंक दे दिया, यहाँ पे रेड है, ब्राउन है, यहाँ हो गया ब्लैक, तो इस सिचुएशन में आपको जो है रेड कलर के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैरून कलर है रेड कलर का ही कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट बात करें हम द स्टैंडर्ड, कोई भी बात करें ऑक्सीजन का अगर कलर की बात आ जाए, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो या हॉस पाइप की, तो ऑक्सीजन हॉस का क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड कलर ऑफ हॉस हॉसिस फॉर ऑक्सीजन गैस इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, तो ऑक्सीजन के हॉस पाइप की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन की हॉस पाइप भी आपकी ब्लैक कलर की होती है, और सिमिलरली एसिटिलीन गैस हॉस पाइप के लिए भी आपका क्या करेंगे मैरून कलर, तो यहाँ पे मैरून नहीं है, देख रहे हैं आपका यहाँ पे क्या है मैरून नहीं है, लेकिन तो सिचुएशन में आप रेड क्लिक कर सकते हैं, ठीक है मैरून नहीं है ऑप्शन में तो आप रेड को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें फिलर मेटल इज यूज्ड इन, तो फिलर मेटल माइली इलेक्ट्रोड का अलग से इस्तेमाल किस वेल्डिंग में किया जाता है, तो यह आपको गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग इफ ऑक्सीजन इज बर्न्ड विद एक्सिस ऑफ एसिटिलीन द फ्लेम प्रोड्यूस, ऐसा एसिटिलीन वेल्डिंग में जिसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्या है आपका ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन क्या है एक्सिस ऑफ एसिटिलीन, तो आपका जो है कार्बोनाइजिंग फ्लेम इसका आएगा इसका आंसर, जहां पे ऑक्सीजन बर्न हो रहा है लेकिन एक्सिस ऑफ एसिटिलीन है, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा है ऑक्सीजन से तो आपको कार्बोनाइजिंग होगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी एसिटिलीन से तो आपकी क्या होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ देख रहे हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रल फ्लेम द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है सामान्य, न्यूट्रल आदमी कहता है भाई शांत स्वभाव का है सारा चीज बड़ा, दो भाई हैं दोनों भाई सकुशल रह रहे हैं शादी के बाद भी, मतलब क्या है उसके माँ बाप ने सही बराबर हिस्सेदारी बहुत बंटवारा सही से किया है तभी भाई शांत से रह रहे, तो मतलब बराबर बराबर क्वांटिटी में सारे रह रहे, तो वहां क्या मतलब 1:1, उसके माँ बाप ने मरने से पहले उनको प्रॉपर प्रॉपर्टी का बहुत अच्छी तरीके से बंटवारा कर दिया, तो इस हिसाब से वो प्रॉपर शांत स्वभाव में रह रहे, तो न्यूट्रल मतलब बराबर सामान्य, तो 8th का आंसर क्या आएगा आपका 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर इन गैस वेल्डिंग मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेम इज, तो ज्यादातर गैस वेल्डिंग में किस फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा फ्लेम होगा न्यूट्रल फ्लेम, गैस वेल्डिंग में आपका कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें एज कंपेयर टू कार्बोनाइजिंग फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग अलग फ्लेम, सारी जो फ्लेम है आपका उसका ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कितना जलता है कितना स्पार्क दे रहा है मतलब कितना एनवलप है, तो उसका फ्लेम जो है थोड़ा कम हो जाता है लेस ल्यूमिनस, जो कार्बन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है कम ल्यूमिनस होता है, यहाँ ल्यूमिनस की बात करें यहाँ देखेंगे आपको अलग अलग फ्लेम होता है, यहाँ देख रहे हैं आपका एक मिनट ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, फ्लेम है देखिए अलग अलग फ्लेम है, फ्लेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनर कोन पे आपका क्या है देख रहे हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर है कितना है 3200 डिग्री सेल्सियस,
तो ये आपका न्यूट्रल फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और ये आपका क्या है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एज कंपेयर टू कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज क्या है इसका, लेस ल्यूमिनस। अब देखिए 11 क्वेश्चन में, इन वेल्डिंग टॉर्च इन ऑक्सीटिलीन वेल्ड गैस वेल्डिंग, तो वेल्डिंग टॉर्च है यहाँ पर दिखाया था, तो आपके अलग अलग इसके में जाते हैं, अलग अलग पाइप रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दोनों पे क्या है, मिक्स हो जाके आपका वेल्डिंग होता है। तो ये क्या होता है आपका, ऑक्सीटिलीन गैस वेल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, एक एक में आपका ऑक्सीजन आ रहा है, दूसरे में एसिटिलीन आ रहा है, तो दोनों यहाँ आके क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, प्रॉपर रेशियो में आपका मिक्स हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का गन है उसमें जो है चैम्बर में दोनों पोर्शन क्या हो जाता है आपका, मिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिक्स द गैसेस इन डिजायर रेशियो, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, एसिटिलीन इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, तो जो एसिटिलीन जो गैस है सिलेंडर में कैसे स्टोर किया जाता है, डिजोल्विंग इन एसीटोन। तो एसीटोन को लिक्विड फॉर्म में डिनोट, लिक्विड फॉर्म में जो है ये स्टोर रहता है, एसिटिलीन जो है आपका लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करें, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर एट, तो मैंने अभी इससे पहले डायग्राम से बताया था, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लेम किसके ऊपर डेवलप होता है, एट द इनर कोन, अंदर का जो कोन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है, बात आती है कितना, तो कितना होता है आपका टेम्परेचर, अभी डायग्राम में बताया था 3200 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फ्लेम एट द टिप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टॉर्च इग्नाइटेड बाय, अब मान लिया किसी को आग जलानी है, तो आप माचिस से आग नहीं जलाएंगे, ध्यान दीजिए, फ्लेम को डेवलप करना है तो वहां पे मैच स्टिक, आप कई लोग मैच स्टिक कर देंगे, भैया ये मैच स्टिक नहीं होगा, एक गैस के लिए जैसे लाइटर होता है, तो इसी प्रकार से स्पार्क लाइटर होता है, जब आप वेल्डिंग करते समय जो इग्नाइट करते हैं फ्लेम को जलाने के लिए, आपको स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 क्वेश्चन, इन एसिटिलीन गैस इज स्टोर, तो गैस कैसे स्टोर होता है, लिक्विड स्टोर में, डिजोल्व मैंने कहा था ऊपर, क्या है, डिजोल्व फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में आपका एसीटोन स्टोर होता है, तो कैसे आपका डिजोल्व फॉर्म में भी बोल दिया जाता है, यहाँ देखा आपने डिजोल्विंग स्टोन एसीटोन, तो डिजोल्विंग डिजोल्व मतलब क्या, लिक्विड होगा तभी तो अंदर मिक्स होगा प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं आप, वेयर डज द मैक्सिमम फ्लेम अकर्स, तो मैक्सिमम फ्लेम अकर्स कहाँ होता है आपका, इनर कोन, सिंपल वही सेम रिपीट हो गया, द सिलेंडर ऑक्सीजन स्टोर्ड, सिलेंडर में ऑक्सीजन को कैसे स्टोर करना है, तो पता भैया ऑक्सीजन जहां भी लीक कर गई, तो कोई भी गैस सिलेंडर लेंगे तो वहां पे सीमलेस मतलब लीक प्रूफ बनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर आएगा सीमलेस स्टील, क्या आएगा आपका, सीमलेस मतलब पूरा लीक प्रूफ आपको बनाना होता है, तो कोई भी गैस को आप स्टोर करते हैं तो प्रॉपर सीमलेस बनाया जाता है, प्रॉपर आपको इसको जो इसमें यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इन आर्क वेल्डिंग प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग सेफ्टी गॉगल्स, इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स कोटेड, रिवर्स पोलैरिटी कौन सी होती है, जब आप इलेक्ट्रोड को होल्डर को पॉजिटिव से वर्क को नेगेटिव से, स्टेट पोलैरिटी में जस्ट अपोजिट हो जाता है, सिंपल स्टेट पोलैरिटी में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, इन आर्क वेल्डिंग द लेंथ आर्क शुड बी, आर्क कितना होना चाहिए, आर्क जो है इलेक्ट्रोड के डायामीटर पे ही होना चाहिए, जितना आपका इलेक्ट्रोड का डाया है उतना ही आपका आर्क होना चाहिए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन है इस तरह से देख सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे और देखें जाए तो, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर इन, आर्क स्टेबिलिटी कौन सा होता है बेटर, तो डीसी आर्क वेल्डिंग सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहता है। इन आर्क वेल्डिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट, आर्क वेल्डिंग के दौरान किससे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट दोनों रेज से आपको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कई सारी रेज आती है उसमें, जैसे अब रिवर्स पोलैरिटी की बात करा था, वही क्या रिवर्स पोलैरिटी को क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से, इसको ये भी पूछ देगा वर्कपीस को पॉजिटिव, वर्कपीस से नेगेटिव से। अगर ये ऑप्शन हटा दे वर्कपीस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, फिर भी ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, आपके कई प्रकार के होते हैं। जब मान लिया कोई वेल्डिंग करने के दौरान क्रैक आ जाता है, क्रैक इन वेल्ड अपीयर्स, क्रैक आ जाता है वेल्डिंग करते समय, जो वेल्डिंग करने के बाद क्रैक आ जाता है, तो मतलब क्या है? नो प्रॉपर यूनिफॉर्म हीटिंग, आपने प्रॉपर हीट नहीं दिया है। तो इस तरह से आपके सारे टेस्ट इस तरह से सारे किए जाते हैं, सारे जो है जितने भी आपको प्रॉपर आपको वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, स्लैग इंक्लूजन इज आ, तो स्लैग इंक्लूजन क्या है? एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। स्लैग इंक्लूजन क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट है। सिंपल देखें यहाँ पर, पोलैरिटी ऑफ वेल्ड जॉइंट मे बी कॉज्ड बाय, पोलैरिटी कैसे होती है कोई भी बॉडी को पोलैरिटी प्रॉपर अगर चेंज कर देते हैं तो आपकी बेपोर बेस मेटल आपकी खराब हो तो ये आपकी क्या होती है? पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं प्रॉपरली आप देखेंगे आपका, वेल्डिंग विच इज नॉट अ डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट कौन सा नहीं है? अब आपको हॉट टीयर्स मतलब आंखों से, टीयर्स मतलब आंसू आना, मान लिया आंखों से आंसू आना, ये वेल्डिंग डिफेक्ट थोड़ी है भैया, सही से करोगे तो आएगा ही, नहीं सही से करोगे तो आएगा यहाँ। तो आपका स्लैग इंक्लूजन, ब्लो होल्स, डिस्टॉर्शन, ये तो है वेल्डिंग डिफेक्ट, लेकिन ये आपका नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हॉट टीयर्स। इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन आप कवर अप कर सकते हैं, जो आपके सेशनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।